नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। देखिए, राजनीति एक ऐसा संभावनाओं का खेल है जिसे तलाशने के लिए हर कोई निकल पड़ता है और आखिरकार उन्हें अपनी मंजिल भी मिल जाती है। छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश और आज राजस्थान में भी वही हुआ जो आलाकमान ने चाहा। देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के आलाकमान ने जो रणनीति तय की, वह हूबहू राजस्थान में आज उस समय देखने को मिली जब तीन पर्यवेक्षक राजस्थान पहुंचे और लंच के बाद जो कुछ शुरू हुआ उसके बाद शाम होते तक एक नई तस्वीर भी निकल कर सामने आ गई। और यही तस्वीर है राजनीतिक खेल की और यही तस्वीर है राजनीतिक बाजीगरी की और यही तस्वीर है उस चेहरे की जिसे जनता पसंद करती है। देखिए, भजन लाल शर्मा को आखिरकार राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया गया। हमने सबसे पहले छत्तीसगढ़ की उस राजनीतिक तस्वीर को देखी जो अमूमन बहुत बड़े वर्चस्व की राजनीति करते हुए वे फेस नहीं देखे जाते हैं। उसके बाद हमने मध्य प्रदेश की उस तस्वीर को भी देखा, लेकिन अब राजस्थान की इस तस्वीर के बारे में आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ये चेहरा बिल्कुल नया है। पहली बार इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और विधायक बनने के बाद जब ये आज इस राजनीति में एक नया कदम रखने पहुँचे तो इसी दौरान देश की नई बल्कि राज्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन्हें सौंप दी गई और अब ये राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हैं। यहाँ इस नाम का प्रस्ताव पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दिया, समर्थन किरोड़ी मीना ने कर दिया और आखिरकार इस नाम पर मुहर लग गई। भजन लाल के साथ यहाँ उप मुख्यमंत्री के दो पद मुख्यमंत्री भजन लाल को बनाया गया, लेकिन उप मुख्यमंत्री यहाँ दो चेहरे रखे गए हैं, यानी कि दो पद हैं। पहला पद दिया कुमारी को दिया गया, वहीं दूसरा पद यहाँ प्रेम बेरवा जी को दिया गया है कि राजस्थान में अब दो मुख्यमंत्री होंगे। यहाँ स्पीकर का पद राजनीतिक अनुभव रखने वाले श्री वासुदेव देवनानी को दिया गया। ये वे चेहरे हैं जो अब राजनीति में उच्च पदों पर देखे जाएंगे। लेकिन अगर हम सिलसिलेवार बात करें तो राजस्थान की राजनीति आज से एक नए दृष्टिकोण के साथ देखी जा सकेगी, यानी कि राजनीति में एक बड़ा बदलाव आज से यहाँ से देखा जा सकेगा। बीजेपी में जो अभी तक वर्चस्व के चेहरे देखे जाते थे उनसे सबसे हटकर यह राजनीतिक तस्वीर आज से देखी जा रही है। राष्ट्र न्यूज़ पर हम आपको सिलसिलेवार ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे पद पर किस तरह से गणित के साथ, राजनीतिक रणनीति के साथ यहाँ आज प्रस्तावना लिखी गई। देखिए, सबसे पहले पर्यवेक्षक यहाँ पहुँचे और इन पर्यवेक्षक को लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुँची। इसके बाद जैसे ही राजनाथ सिंह और उनकी टीम यहाँ पहुँचे तो उनका अनूठे अंदाज में वेलकम भी किया गया। जब यह सब प्रक्रिया पूरी हुई तो उसके बाद लंच का दौर चला और इसी दौरान कई विधायक आज की इस तस्वीर के बारे में चर्चा करते हुए दिखाई दिए। तमाम राजनीतिक तस्वीरों के बारे में अभी तक हमने जिक्र किया और राजस्थान में भी ये चर्चाओं का अहम दौर रहा। ऐसे में यहाँ आज एक बार फिर सभी विधायक इस बात की भी चर्चा करते देखे गए कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री ये होगा, वो होगा, फला होगा, मतलब तमाम नामों पर चर्चा जारी रही। और दौर आ गया आखिरी, इस आखिरी दौर में जब 1-to-1 करने की बारी आई तो सभी विधायक एक विशेष परिधान में, माथे पर केसरिया पगड़ी और एक विशेष परिधान में यहाँ दिखाई दिए। अगर इन तस्वीरों की सिलसिलेवार बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनकी टीम के लोग आगे चल रहे हैं। अब यहाँ पर विधायकों का आने का क्रम भी शुरू हो जाता है और एक एक करते सभी 115 विधायक यहाँ इस 1-to-1 वाली प्रक्रिया में शामिल होते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, सभी विक्ट्री का साइन भी कर रहे हैं, यानी कि जो आलाकमान ने
आज फैसला किया है, यह फैसला सबसे अहम है और इसी फैसले को हम सामान्य रूप से स्वीकार करते हैं, ये भावना भी यहाँ देखी जा रही है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये तीनों ही राज्यों की तस्वीरें आने वाले लोकसभा चुनाव की उस भूमिका को भी यहाँ साफ होते हुए आज देखा जा सकता है। यानी कि लोकसभा चुनाव की जो भूमिका है आज यहाँ साफ देखी जा रही है। तीनों ही राज्यों की तस्वीर आपके सामने है और तीनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री भी आपके सामने हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब राजस्थान में बदलती हुई राजनीति का दौर शुरू हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री अब अपने दौर के माने जाएंगे और राजस्थान में एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ देखा जा रहा है। अब मंत्रिमंडल का गठन होगा, विभिन्न तरह के विभागों का बंटवारा होगा और आने वाले दिनों में यानी कि एक दो दिन बाद यहाँ शपथ की प्रक्रिया भी देखी जाएगी। बहुत कुछ कहने के लिए है हमारे पास, राजस्थान की वे सभी राजनीतिक तस्वीरें आपके पास लगातार पहुँचाएंगे, लेकिन भजन लाल शर्मा को राजस्थान के नए मुख्यमंत्री की बागडोर दी गई है। उनकी टीम में विभिन्न मंत्री शामिल होंगे, विभागों का बंटवारा होगा और आने वाले दिनों में राजनीति की एक नई तस्वीर भी यहाँ हम लगातार विकास के दृष्टिकोण से देख सकेंगे। अगले 5 साल तक भजन लाल अपनी टीम के साथ राजस्थान में विकास की गंगा बहाएंगे। इस और नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और उनकी टीम को राष्ट्र न्यूज़ की ओर से भी बहुत बहुत बधाई। 2023 का ये विधानसभा का चुनाव राजस्थान के लिए सबसे अहम रहा है और राजस्थान की राजनीति में इस चुनाव की हर तस्वीर को अब हम इतिहास के रूप में देख सकेंगे। अगले एक नए कंटेंट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आप राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री और इनकी टीम के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, किस तरह का मंत्रिमंडल होना चाहिए, मंत्रिमंडल में कौन कौन मंत्री के चेहरे होंगे, क्या विभाग होंगे, इन सभी के बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रेषित करें। अगले कंटेंट के साथ फिर मुलाकात करेंगे।